राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। नांदेड़ सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत मामले में नया मोड़ आया है। नांदेड़ ग्रामीण पुलिस ने नांदेड़ के सरकारी अस्पताल के डीन डॉक्टर वाकोड़े और एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की है। धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में ये FIR एक मृतक के रिश्तेदार की शिकायत पर दर्ज की गई है। आरोप है कि डीन और बाल रोग डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी और उसके नवजात शिशु की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि वो दवाएं बाहर से खरीद कर लाकर इंतज़ार करते रहे, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डीन के पास गए तो उन्होंने भी उन्हें भगा दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के दो अस्पतालों की भयावह स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें नांदेड़ का वो अस्पताल भी शामिल है जहां 72 घंटों में 16 बच्चों सहित 31 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य के लिए बजटी आवंटन का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नांदेड़ मामले में सुमोटो याचिका पर सुनवाई करते हुए नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हो रही मौत को गंभीरता से लिया है। इसकी तत्काल सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने राज्य के महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ को राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि अगर मेन पावर की कमी और दवाओं की कमी से मौत होगी तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले दिन में अधिवक्ता मोहित खन्ना ने पीठ को दी अर्जी में अनुरोध किया था कि वो सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों पर स्वतः संज्ञान ले। पीठ ने शुरुआत में खन्ना को निर्देश दिया कि वो याचिका दायर करे। अदालत ने कहा कि वो प्रभावी आदेश जारी करना चाहती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।